हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि पहले तो हम लोग रेमेडीज़ डिस्कस करते हैं कि आप लोग अपने फेस पे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथ पाँव पे क्या अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी स्किन और आपका जो कलर है वो फेयर हो जाए। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ड्रिंक लेके आई हूँ जिसको पी के भी आप अपना कलर फेयर कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रिंक है और आपके लिए एक एनर्जी बूस्ट के तौर पे भी काम करेगी, और ख़ास तौर पे जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इससे पहले गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलें जी, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो है बादाम। आलमंड्स आपने ले लें 50 ग्राम। अब आलमंड्स के अब हम लोगों को सबको फ़ायदे पता है, वो हमारे घर में डेली यूज़ भी होते हैं, तो आज हमने इसको ड्रिंक में भी यूज़ करना है। और हमें पता है कि आलमंड्स जो हैं वो हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कलर को इन्हांस करते हैं, हमारे कलर को ज़्यादा फेयर करते हैं। और जो दूसरा इन्ग्रीडियंट हमने यूज़ करना है वो है छोटी इलायची, वो भी आपने 50 ग्राम लेनी है। अब छोटी इलायची जो होती है इसका ख़ास तौर पे रोल होता है हमारे कलर को फेयर करने के लिए। तो गाइज, इसमें हमने इसको अच्छी तरह से इसका मिक्स करना है, आगे मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका। और जो है आप इसको यूज़ करेंगे, 50 ग्राम आप लोगों ने ले लेनी है। उसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास अनार के फूल, और जो है आपने इसको भी 50 ग्राम ही लेना है। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि अनार के हमारे डेली लाइफ में उसको खाने के या इसके जो फ्लावर है ना उसके भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो इसके लिए मैं कभी दोबारा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को अनार के सारे फ़ायदे बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा आपने मिश्री यूज़ करनी है, वो भी आप लोगों ने 50 ग्राम लेनी है। अब जो मिश्री होती है वो आपके लिए ना एनर्जी बूस्ट का काम करती है, इसके अलावा आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो मैंने बताया कि जो कि ग्रोइंग एज में चिल्ड्रन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद आपने ये चारों चीज़ें लेके हम वज़न 50 ग्राम्स, और आपने इन सब का फाइन पाउडर बना लेना है, इन सारों को ग्राइंड करना है। फाइन पाउडर इस तरह से बनाना है कि आपकी ये जो इलायची है ना उसका भी फाइन पाउडर बन जाए, कि उसके छिलके वगैरह वो साबित ना रहे, वो सारा कुछ ग्राइंड हो जाए। तो उसके बाद आपने इसका 1 टेबल स्पून लेना है और उसको आपने दूध के अंदर ऐड करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और वो दूध आप पी लें। अब देखें, दूध पीने की भी टाइमिंग होती है, लाइक वैसे तो आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली पेट अगर दूध पीते हैं सुबह के टाइम तो वो आपकी ब्लोटिंग कॉज करता है। और इसी तरह हमारे फ्रूट्स की कुछ टाइमिंग्स होती हैं कि हमने फ्रूट दिन में लेना है, शाम में लेना है। वैसे फ्रूट्स की ज़्यादातर जो टाइमिंग होती है वो होती है कि आप सुबह उनको यूज़ करें, और सुबह से लेके अब शाम तक आप लोग यूज़ कर सकते हैं, रात को फ्रूट्स यूज़ ना ही करें तो बेटर है। और इसी तरह अगर आप दूध पी रहे हैं तो वो आप रात को पिए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो गाइज़, अगर आप ऐसी ही वीडियोस और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं जो आपके पास जो भी रेमेडीज़ लाती हूँ या जो भी तरीके लाती हूँ वो सारे प्रूवन होते हैं,